कोरोना संकट के इस दौर में पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को फिर से आबाद करने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, बल्कि एक तरह से चीन की बर्बादी के रास्ते भी खोल दिए। कोरोना की वजह से दुनिया भर में फैली चीन के प्रति नाराजगी को भुनाने की पूरी तैयारी की रूपरेखा पीएम मोदी के इस आर्थिक पैकेज में शामिल है। साथ ही चीन को गहरी चोट पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र भी दे दिया। उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से बनी विश्व की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। पीएम की इस अपील से विदेशी ब्रांड्स, खासकर चीन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि संकट के इस समय में इसी लोकल ने हमारी मांग पूरी की और इसी लोकल ने हमें बचाया। लोकल बस जरूरत नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, इसलिए लोकल के साथ हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ रफ्तार नहीं बढ़ानी है बल्कि क्वांटम जंप भी लगाना है। पीएम मोदी की इस अपील का मतलब ये है कि भारत अब दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कुछ कम करेगा और इसे खास तौर पर चीन के संदर्भ में देखा जा रहा है। पीएम मोदी के संबोधन से साफ है कि अब सरकार स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार के लिए मौके देने जा रही है। उस क्षेत्र में निर्मित सामानों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि चीन पर हमारी निर्भरता को पहले के मुकाबले कम किया जा सके। पीएम मोदी ने पीपीई किट से इसका उदाहरण भी दिया। लोकल पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया के लिए एक बाजार के साथ साथ बड़ी डिमांड का क्षेत्र भी है, हमें इसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। कोरोना संकट फैलाने के बाद चीन लगातार ऐसी हिमाकत कर रहा है जिससे एशियाई देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पड़ोसी देशों को हो रही है। ऐसे में भारत समेत बाकी देश भी एकजुट हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब मैंने आपसे खादी खरीदने का अनुरोध किया तो आपने मेरा साथ दिया। खादी और हैंडलूम की मांग और बिक्री कुछ ही समय में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आपने उसे एक बड़ा ब्रांड बना दिया। बस छोटी सी कोशिश थी और परिणाम अच्छा रहा। आगे भी हम ऐसा करेंगे, इसकी उम्मीद करता हूँ।